प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कश्मीर के मसले पर कहा था कि ये गोली और गाली से नहीं, बोली से और गले लगाकर हल होगा, और आज इसकी शुरुआत हो गई है। कश्मीर पर केंद्र की तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा का मिशन आज कश्मीर में शुरू हो रहा है। हालांकि अलगाववादियों ने पहले ही दिनेश्वर शर्मा के बायकॉट का फैसला कर लिया है, लेकिन सरकार सभी पक्षों के साथ बैठकर इस मसले का हल तलाशना चाह रही है, बात करना चाह रही है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि कश्मीर में गाली गोली नहीं बल्कि मोहब्बत की बोली सुनाई दे। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। कश्मीरियों को गले लगाकर कश्मीर समस्या का हल निकालने का मोदी मिशन आज से शुरू हो रहा है। कश्मीर मामले पर बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा आज से कश्मीर दौरे पर हैं। पूर्व आईबी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा अलग अलग स्टेक होल्डर से कश्मीर की समस्या को लेकर बातचीत करेंगे। अपने दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने कहा कि वो कश्मीर किसी पूर्व निर्धारित सोच के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कश्मीर समस्या से प्रभावित है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और कश्मीर के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां सरकार की इस पहल का विरोध कर रही हैं। किस नुमाइंदे को पिछले कुछ दिन पहले आपने खड़ा किया है यहाँ बातचीत करने के लिए, तो क्या करने यहाँ आ रहा है? जब अंदरूनी खबरदारी में बात करना एंटी नेशनल है तो बात क्या करनी आपने? एक रेडिकलाइज्ड एक सेक्शन है और युवा हैं और या पत्थरबाज जो है उनको वो तो मिसलीड किया गया है उनको। पत्थरबाज ऐसा नहीं है कि वहां पर सारे लोग, सारे यूथ या स्टूडेंट या बच्चे सारे पत्थरबाज हैं, ऐसा नहीं है। तो वहां बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो शांति चाहते हैं और मुझे उम्मीद है शांति बहाल होगी। माना जा रहा है कि कश्मीर मसले पर वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा राज्य के पहले दौरे में कश्मीर के विकास के एजेंडे पर बात करेंगे और मुद्दों के राजनीतिक हल या इससे विषयों पर वे बातचीत नहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पहले दौरे में दिनेश्वर शर्मा का फोकस इस बात पर ज्यादा होगा कि कश्मीर पैकेज से किस तरह घाटी में सभी पक्षों को लाभ मिले। लेकिन विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कई स्टेक होल्डर उनसे बातचीत नहीं कर रहे तो फिर इस पहल का क्या मतलब? But Huriyat has clearly indicated there won't be dialogue. Then whom is he going to talk to? Who are the stakeholders? I think the government of India must come clean on this. हालांकि केंद्र सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि कश्मीर मसले पर किससे बात करनी है किससे नहीं, ये खुद दिनेश्वर शर्मा तय करेंगे। नहीं, दिनेश्वर शर्मा जी को खुली छूट दी गई है, जिससे चाहे वो बात कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे चाहे वैसे बात करें। और मैं समझता हूँ सरकार का ये जो कदम है ये बहुत अच्छा कदम है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता इस पहल का स्वागत कर रहे हैं कि कश्मीर मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र विचारधाराओं की लड़ाई है और बातचीत ही एकमात्र हल है। यानी आज से केंद्र सरकार कश्मीर मसले पर बातचीत के एक नए सिलसिले की शुरुआत करने जा रही है। ये मोदी के कश्मीर मिशन का आगाज है, जिसका लक्ष्य है कि कश्मीर में गाली और गोली से नहीं, बोली से ही बात बनेगी। दिनेश्वर शर्मा आज से घाटी के दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो बातचीत करेंगे अलग अलग संगठनों से, लेकिन अलगाववादियों ने उनकी बातचीत के इस दौरे का विरोध किया है। वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बातचीत के जरिए जो मीठी बात, जो मीठी बोल कश्मीर से निकलेगी वो उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर देगी।